काशिम तू आ। कैसा है? देखू कहाँ है जेवा? कहाँ है? आते ही जेवा का। कभी उनका भी हाल पूछ लिया कर जो तेरी कदर करते हैं। है? मतलब? मतलब कुछ नहीं, बुलाती हूँ उसे। हाशिम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। अगर इतनी परवाह होती कि मैं कैसा हूँ तो कॉल उठा लेती मेरी। तुमने कॉल की थी? मैं पढ़ रही थी हाशिम, फोन मैंने पता नहीं कहाँ रखा था, साइलेंट पे था शायद, सॉरी। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, मैं तुझसे ये कहने आया हूँ कि तू चची के साथ वो अमीरों के घर जाके नहीं ठहरेगी। तू कह दे चची से मैं नहीं जाऊंगी वहां, बस। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है मगर उनकी बात भी तो सही है ना, हम 2 हफ्ते यहाँ पर कैसे रह सकते हैं अकेले? चची का तो लगता है दिमाग खराब हो गया शायद। तू ठहर, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ चची से। चची, कश्मीरी चाय तुझे पसंद है ना? छोड़ तू चाय को। हाशिम कैसा है तू, खड़ा क्यों है, बैठ। चची मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि जेबा तेरे मालिकों के घर में जाके नहीं रहेगी, बस। अच्छा तू बैठ तो सही, चाय पी, चला बैठ। देख बेटा तू ठीक कह रहा है लेकिन मेरी इतने सालों की नौकरी का सवाल है। उस घर में खुशी का मौका है और उन्होंने सारा खाने पीने का इंतजाम मेरे हवाले किया हुआ है। ऐसे में इनकार कर दूंगी तो नादिया बीबी नाराज हो जाएगी। वाह चची वाह, उनकी नाराजगी की परवाह है और मेरी बात की कोई फिक्र नहीं है। जेबा मेरी इज्जत बनने वाली है, रिश्ता तय हुआ है हमारा और मैं कह रहा हूँ कि ये तेरे साथ जाके उस घर में नहीं रहेगी, बस। हम भी खुशी से नहीं जा रहे हाशिम, मजबूरी है हमारी। फिर तेरी माँ को तो कोई एतराज नहीं और फिर इन दोनों को ऐसे घर में मैं अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती इतने दिनों के लिए। तो ठीक है ना चची, इनको मेरे घर भेज दे, अम्मा से मैं खुद बात कर लूंगा। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ हाशिम, बीवी बन नहीं गई। चुप कर तू, अम्मी ऐसी बातें कर रहा है हाशिम, लोग क्या कहेंगे? देख बेटा ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इसका मतलब मेरे होने वाले ससुराल में मेरी ही टके की इज्जत नहीं, जा रहा हूँ मैं। बेटा बात सुन मेरी हाशिम, कितनी फिक्र करता है ना वो तेरी और तुझे परवाह ही नहीं। कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में जेबा जो तुझसे खुश हो? मेरा दिमाग खराब मत करो फरा, अम्मी आप इसे समझा ले। चल अंदर काम करवाओ मेरे साथ।